Hello, good morning everyone. Today I am presenting here. This is my topic, formation of the coral skeleton. For last video में हम लोगों ने what is the corals उसके बारे में discussion किया था. आज हम लोग पढ़ेंगे how to form the corals और उसके skeleton system किस तरह से formed होते हैं. सबसे पहले आप लोग बता दें कि हमारे जो skeleton system है corals का, basically ये हमारा क्या है, एक तरह से solidial structure, यानी solid structure होता है, just like a एज ए स्टोन्स या पत्थर. आपने देखा होगा सेम इसी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं कोरल्स को. जो कोरल्स का हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग एज ए कॉर्लेट्स कहते हैं. कॉर्लेट्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड विद द कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये किसके बने हुए होते हैं, हमारे CaCO3 से फॉर्म्ड होते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक जगह पर ऐसे इकट्ठे होने लगते हैं और इकट्ठा होने के बाद इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स एक तरह से सॉलिटरी स्ट्रक्चर में आने लगते हैं. जैसे ही ये सॉलिटरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो इस स्टेज को हम लोग ऐसे कहते हैं कॉर्लेट. और कॉर्लेट जो है ये हमारा कैल्केरियस फॉर्मेशन कहलाता है या सिलिकेरियस. सिलिकेरियस दैट मीन्स सैंड का बना हुआ हो, कैल्केरियस दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ. देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं. यानी ये जब ग्रुप्स में रहेंगे तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से ग्रुप्स में एक कोरल दूसरे कोरल से जब फ्यूज हो जाएगा तो फ्यूज होने के बाद ये क्या डेवलप करते हैं, एज ए पॉलिप्स. अगर हम पॉलिप्स की बात करें तो पॉलिप्स का जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक ए कप बैग, जैसे जस्ट लाइक ए कप. इसका मतलब आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया. दिस इज द कोरल फॉर्मेशन. देन उसके बाद अगर हम इसके स्केलेटन सिस्टम की बात करें, दे आर फॉर्म्ड द एज ए एपिडर्मिस, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या फॉर्म करेगी, हमारी एपिडर्मिस फॉर्म करेगी. जो एपिडर्मिस बनेगी यानी इसकी फॉर्मेशन में आउटर जो लेयर बनेगी वो एपिडर्मिस की बनी होगी. अब ये एपिडर्मिस क्या करती है, इस एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर होती है इस लेयर को हम लोग कहेंगे थीका. ठीक है, थीका दैट मीन्स ये बेस पार्ट ऑफ द कोरल्स, यानी ये बेस पार्ट है. अब बेस पार्ट को जो थीका है ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपर रीजन पर एक ऑर्गन जो कप लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ था वहां पे क्या है, बहुत सारे हमारे एज ए फॉर्मेशन होगी. किस तरह की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं. और जो टेंटिकल्स होंगे दे आर फॉर्म द गोनोजॉइट्स, यानी जो गोनोजॉइट्स है ये गोनोजॉइट्स से गैमीड अराइज होंगे. और जैसे ही गैमीड अराइज होंगे ये गैमीट बनने के बाद ये सेक्सुअल स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी ये जो सेक्सुअल स्टेज जो ये स्ट्रक्चर बना ये गोनोजॉइट्स का, ये गोनोजॉइट लगे कहां होते हैं, पहले आपको बता दें दे आर फॉर्म द कोरल पॉलिप्स. दो टू इंपॉर्टेंट स्टेज इन सीलेटेट्स, फर्स्ट वन इज मेड्यूसिल एंड सेकंड वन इज पॉलिप्स. जैसे ही पॉलिप्स बन जाएगा पॉलिप्स का स्ट्रक्चर भी कप लाइक कप के स्ट्रक्चर में होगा, इसमें नंबर ऑफ मेनी टेंटिकल्स अराइज हो जाएंगे इस तरह से. और ये हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे. तो कोरल्स क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. और जैसे ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पर गोनोजॉइट से गैमीट अराइज हो रहे, जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये गैमीट क्या करेंगे, फ्यूजन टू गैमीट, यानी एक गैमीट ये मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स का अरेंज करेगा. मेल गैमीट अराइज होंगे, फीमेल गैमीट होंगे, ये वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोरल्स. अब कोरल्स क्या करेंगे, जो गैमीट रिलीज कर दिए गए ये फ्यूज होके फॉर्म करेंगे, क्या बनाएंगे, एज ए जाइगोट, यानी ये एक तरह के जाइगोट बना देंगे, छोटा सा जाइगोट बन जाएगा. जाइगोट क्या करेगा, आफ्टर नेक्स्ट कंडीशन में ये इसमें जाइगोट का डिवीजन होगा और इसमें एक लार्वा डेवलप होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्लैनुला लार्वा. प्लैनुला लार्वा इज अ सिलिंड्रेट लार्वा. तो प्लैनुला लार्वा क्या करेगा, वाटर में फ्री स्विमिंग करेगा. और फ्री स्विमिंग के बाद आफ्टर इसको बेस पार्ट मिल जाता है, कोई स्टोर मिल जाता है, वहां पर क्या करेगा, ये प्लैनुला लार्वा क्या होने लगेगा, एक तरह से फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे ही ये फिक्स हो जाएगा अब ये क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस होता है टू, मॉर्फोसिस मतलब स्ट्रक्चर, यानी दो स्ट्रक्चर, लार्वा से एडल्ट में बनने की प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस. देन मेटामॉर्फोसिस के बाद ये क्या करेगा, एक यंग कोरल पॉलिप्स बना देगा. और जैसे ही ये यंग छोटा सा कोरल पॉलिप्स बनेगा दे आर फॉर्म्ड हो जाएगा. अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा. ग्रोथ करने के बाद सो मेनी नंबर ऑफ द कोरल पॉलिप्स डेवलप हो जाएगा. तो इस तरह से ये क्या करता है, कोरल का फॉर्मेशन कर देता है.
और ये कोरल्स का जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा, अब ये सॉलिटरी स्टोन्स की तरह या डेड कंपोनेंट्स की तरह वाटर में पड़े रहेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल स्केलेटन। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।